नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु गोरखनाथ जी से राजा विक्रमादित्य ने प्रश्न किए तो उसके उत्तर मिले उनको, और ये उत्तर आप भी सुने और प्रश्न भी सुने कि एक घंघोर जंगल में एक बरगद के नीचे योगी गुरु गोरखनाथ जी बैठे थे। उस समय उनकी वृत्ति अंतर जगत में विचरण कर रही थी और वे अपने आप बातचीत कर रहे थे अपने आप से। तब तक भारत सम्राट नव युवक महाराज विक्रमादित्य एक काले हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए उधर आ निकले। तब सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी के पीछे खड़े होकर महाराज उनकी खुद मस्ती की बातें सुनने लगे। गुरु गोरखनाथ जी स्वयं से बातें कर रहे थे मस्ती में मगन फकीर। तब राजा विक्रमजीत जो आदित्य थे वो पीछे आके वो बातें सुनने लगे। गोरख जी बोले कि दुआ मांग, दुआ कर, दुआ से जमीन तक फट जाती है। जरा समझे कि दुआ मांग, दुआ कर, दुआ से जमीन तक फट जाती है और आसमान तक उड़ जाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। ये सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने ये वचन किए, वो अपने आप से बातें कर रहे थे। तो दुआ कर, दुआ की इतनी बड़ी शक्ति है, अरदास की इतनी बड़ी ताकत है। विक्रमादित्य के मन में ये सवाल उठा कि कोई महात्मा है ये, पक्का ये कोई बड़े महात्मा है। तब गुरु गोरखनाथ जी आगे बोल रहे हैं कि अगर तू उसको देख लेगा तो उसके पर्दे में पर्दा ही क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसलिए बनाया गया है कि उसको कोई देख ना ले। अब ये वो बोल रहे हैं अपने मन में विक्रमादित्य, और ये गुरु गोरखनाथ जी अपने मुख से बोल रहे हैं। विक्रमादित्य फिर बोल रहे हैं कि कोई तत्व ज्ञानी जान पड़ता है। गुरु गोरख बोले सब जगत परमात्मा में है और परमात्मा मुझ में है, तो महात्मा बड़ा हुआ, महात्मा बड़ा हुआ ना परमात्मा से। फिर विक्रमादित्य अब की बार दूर की मस्की, जीवात्मा और महात्मा दोनों ही परमात्मा के भीतर रहते हैं, जैसे तारे और चांद आसमान के भीतर रहते हैं। गुरु गोरखनाथ बोले शक्ति की उपासना करने वाला रावण बन जाता है और शिव की उपासना करने वाले राम बन जाते हैं। विक्रमादित्य बोला कि इस हिसाब से मैं एक रावण हूं, क्योंकि राजा होता है शक्ति का उपासक। गुरु गोरखनाथ बोले इस विशाल भूगोल में स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, उनकी इच्छा है कि जमीन पर जो रहे सो एक स्त्री बनकर रहे। राजा विक्रमादित्य बोले ये बात समझ में नहीं आई, ये आदमी कुछ सनकी मालूम पड़ते हैं। अब वो पीछे बैठे सुन रहे थे, तो गुरु गोरखनाथ बोले कि इस विशाल भूगोल में सब पागल ही पागल रहते हैं, अगर कोई होश में आने लगता है तो उसे पागल लोग पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वे खुद पागल हैं। अब राजा विक्रमादित्य फिर सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या बोले जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी। उन्हें पता नहीं था कि ये गुरु गोरखनाथ जी हैं, इतना पता था कि कोई महात्मा है। अब विक्रमादित्य पीछे खड़ा सुन रहे हैं तो वो बोले कि सभी पागल हैं। अब की फिर इसने जकंद भरी, मालूम होता है कि विचार करते करते ये आदमी पागल हो गया है। तब फिर गुरु गोरखनाथ जी अपनी खुद मस्ती में बोले कि जमीन कहती है कि मैं बड़ी और आसमान कहता है कि मैं बड़ा, औरत कहती है कि मैं बड़ी हूं और मर्द कहता है कि मैं बड़ा, वास्तव में ना जमीन बड़ी है और ना आसमान बड़ा, बड़ी है भूल जो कि दोनों को बेवकूफ बनाए हुए है। अब विक्रमादित्य सामने आ गया तो उसने पूछा क्यों जी, आपने इधर कोई काला हिरन देखा था। गुरु गोरख बोले मैं यहां नहीं रहूंगा, जहां सब अंधे ही अंधे हैं वहां मैं नहीं रहूंगा, जहां सब पागल ही पागल हैं वहां मैं कैसे रह सकूंगा, जिस गांव में सब लोग नशेबाज हैं उस गांव में मेरा गुजारा कैसे होगा, नहीं नहीं औरतों के इस शहर में मेरा निवास नहीं रह सकता, क्योंकि गुरु गोरखनाथ खुद मस्ती में स्वयं से बातें कर रहे हैं। विक्रमादित्य फिर बोले क्यों जी, तुम कौन हो, मेरी बात नहीं सुनते। गुरु गोरखनाथ फिर से बोले कि आपकी अप्रकाशित विधान नामक नाटक पुस्तक में दो भाग हैं,
एक दुखांत नाटक और दूसरा सुखांत नाटक। दुखांत नाटक पहले खेला गया और सुखांत नाटक बाद को खेला जाएगा, परंतु इस दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा कब उठेगा? गोरखनाथ स्वयं से बातें कर रहे हैं। इसकी संपत्ति किन संवत में होगी? ऐसा ना हो कि आप सुखांत का समय भूल जाएं। आप में चाहे कोई अवगुण ना हो, किंतु भूल का अवगुण तो है ही। अब विक्रमादित्य जी फिर बोल रहे हैं, क्यों जी, यहां से कोई गांव नजदीक है? गुरु गोरखनाथ फिर मस्ती में बोल रहे हैं, यह धरती का देश बहुत बड़ा है। यह विशाल धरती का देश पानी के देश के बीचों बीच सो रहा है और पानी का देश आग के देश में हिलोर मार रहा है। तो भी इस धरती पर रहने वाले समस्त कीटाणु बेफिक्री के इंतजाम सोच रहे हैं, बेधड़क घूम रहे हैं सब निशाचर। अब फिर विक्रमादित्य जी बोले, पूरा पागल मालूम होता है। मैं पूछता हूं खेत की बात और ये देते हैं खलियान की खबर। संध्या हो रही है और उस हिरण का पता नहीं। तब तक गोरखनाथ जी का वे पालतू काला हिरण, जो हिरण था वो गुरु गोरखनाथ जी का पालतू काला हिरण था, वो वहां आ पहुंचा, जिसके पीछे राजा विक्रमादित्य परेशान हो रहे थे। राजा ने एक तीर चला दिया और हिरण मरकर वहीं योगी गुरु गोरखनाथ जी की गोदी में गिर पड़ा। उनकी चित्तवृत्ति अंतर जगत से हटकर इस बाहरी जगत में आ गई। तब उनकी जो अंतर जगत में चल रही थी वृत्ति बाहर आ गई। अब बाहर आ गई तो हिरण को मरा हुआ देख गुरु गोरखनाथ जी ने कहा विक्रमादित्य राजा से, गोरखनाथ जी बोले, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, भारत के उदय अस्त का मैं राजा हूं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, भारत का उदय जब होगा तब होगा, तुम्हारा अस्त तो आज ही हो जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, क्यों? गुरु गोरखनाथ बोले, इस नी अपराध और पालतू हिरण को क्यों मारा? विक्रमादित्य राजा बोले, मैं राजा हूं, जिसको चाहे मारूं। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो, शूर नहीं क्रूर हो। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? गुरु गोरखनाथ बोले, हमारे ना मानने से तुम राजा रह कैसे सकते हो? विक्रमादित्य बोले, अच्छा। गुरु गोरखनाथ बोले, और नहीं तो क्या? राजा विक्रमादित्य बोले, तुम क्या करोगे मेरा? गुरु गोरखनाथ बोले, जो तुमने हिरण का किया ठीक वही कर दूंगा तुम्हारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारे पास कोई हथियार तो है ही नहीं, फिर मुझको मारोगे कैसे? गुरु गोरखनाथ ने कहा, हथियार से मारा करते हैं कमजोर लोग। हम फकीर हैं, साधु हैं, हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। दुआ से जमीन तक फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात है? राजा विक्रमादित्य बोला, क्या मैंने कोई अपराध किया है? गुरु गोरखनाथ बोले, बहुत भारी अपराध किया है तूने। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि क्या अपराध किया है? गुरु गोरखनाथ बोले, मार वही सकता है जो जिंदा कर सकता हो, जो जलाना नहीं जानता, जो जीवाना नहीं जानता, उसको मारने का हक नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता, ये बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, प्रकृति के नियमों को तुम क्या जानोगे? प्रकृति का नाम ही सुन लिया या उसे कभी देखा भी है? विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु शंकर जी विष खाकर अमर हो गए। बिना जड़ का कोई पौधा नहीं होता, किंतु अमर बेल बिना मूल के ही फलती है। संभव और असंभव दोनों नियमों की नियमावली की माला जो प्रकृति पहने हैं, उसका नाम ही सुन रखा है या कुछ जानते भी हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं जो ज्यादा बहस करूं, हिरण को लेकर राजधानी लौटना है। गुरु गोरखनाथ बोले, हिरण को लेकर? हिरण को छोड़कर ही राजधानी चले जाओ तो जानो, बिना इसे जीवित करे तुम एक डग भी नहीं रख सकते। राजधानी में नहीं जाओगे तो कुर्बानी में जरूर जाओगे। हजार बातों की एक बात यह है कि इसे जीवित करो या स्वयं मरने की तैयारी करो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम हो कौन? गुरु गोरखनाथ ने कहा, जनता को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खेला करते हैं। हम योगी हैं, वे लोग हैं जो राजाओं के बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलते हैं। विक्रमादित्य ने कहा, क्या तुम इस हिरण को जीवित कर सकते हो? गुरु गोरखनाथ ने कहा, यदि जीवित कर दे तो, राजा विक्रमादित्य, तो भारत का सम्राट तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तब गुरु गोरखनाथ बोले, कंचन कामिनी और कीर्ति की
अपात कामनीय त्रिमूर्ति, राजपाट को छोड़कर नम्रता ब्रह्मचर्या और त्याग की अपात भयावनी त्रिमूर्ति भक्ति मार्ग में आ जाओगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, जरूर आ जाऊंगा। अमर विद्या या प्राण कला के एक आचार्य गुरु गोरखनाथ जी ने उसी क्षण मरे हुए हिरण को सचमुच से जिंदा कर दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, राजा विक्रमादित्य, राजा बड़ा या योगी बड़ा? उस वक्त राजा विक्रमादित्य बोले, राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है। आप मुझे अपना शिष्य बना ले। गुरु गोरखनाथ जी ने फरमाया, नहीं विक्रमादित्य, अभी तुम्हें देश विदेश की देखभाल करनी है। तुम पर उपकार कर अपना जीवन उच्च बनाओ। तुम पर उपकार करके अपना जीवन उच्च बनाओ और ऐसे कार्य करो कि तुम्हारा नाम अमर हो जाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा विक्रमादित्य ने सिद्ध महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक रखा और उनका आशीर्वाद लेके वहां से चल पड़े। अब आप बताइए, योगी बड़ा या राजा बड़ा? योगी जिंदा भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, राजा केवल मार सकता है। इसलिए जो जीवित कर सके वही असल में साधु संत फकीर महायोगी होते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।